हाँ जी, आपां हुण पहुंचे हुए हाँ गुरद्वारा नानक जीरा साहिब। इत्थे अपने पहले पातशाह बाबा गुरु नानक देव जी आए सी। जदों उन्होंने आपकी दूसरी उदासी स्टार्ट की सी, उन्होंने जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन का अमृत करो। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मैं तुहाडा हरदीप सिंह, तुसी वेख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल द प्योर लाइफ हरदीप कोसा। तो अपना हुण यात्रा चल रही है श्री हजूर साहब की। तो हुण आपां खड़े हैं इस टाइम करनाटका दे विच, जिथे कि अपनी सारयां दी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी उन्हां दा चरण छो प्राप्त धरती है। हाँ, करनाटका दे विच बिदर गुरद्वारे का नाम हैगा झीरा, नानक झीरा, नानक झीरा साहिब। तो आप पहुँचे उत्थे दर्शन कर मत्था टेकांगे, नाले थोनू भी आप गुरद्वारा साहिब के दर्शन करवावांगे, नाल नाल सारा गुरद्वारा विखावांगे थोनू आप। करियो तुसी भी दर्शन, तो जो इहदा इतिहास है इस गुरद्वारे का, कोई मेरे हिसाब नाल कोई होऊ जिहड़ा इस इतिहास तो नहीं जाणू होऊ इस गुरद्वारे नूं, पर आप फिर भी छोटी जी कोशिश करांगे जिन्नी क आप जाणदे आ इतिहास तुहानू सुनावांगे लास्ट दे विच। ते आपां तुहानू पहलां गुरद्वारा साहिब के दर्शन करवाउने आ, ते तुसी वी नाल नाल अपने दर्शन करियो सारे गुरद्वारा साहिब दे। ते जिन्ना आपां इतिहास जाणदे होए जिन्ना भी जाणदे आ आपां महाराज तों डर के वो तुहानू सुनावांगे। ते आ जाओ आपां करवाउने तुहानू दर्शन। इत्थों दी कमेटी वल्लों बाबा जी दे नाम उपर हॉस्पिटल भी बनाया गया है जिथे कि फ्री दवाई दित्ती जांदी है। यह है गुरद्वारा साहिब के अंदर का दृश्य। ये सरावां बनिया हुई रहन लई यात्रुओं ने, ये सारिया सरावां ने। आ यात्रु आएंगे जिहड़े भी हजूर साहिब मत्था टेकन आउंदे, उत्थों एक टैंपू ट्रैवलां जां गड्डियां कुछ भी करवा के यात्रु नानक झीरा साहिब भी मत्था टेकन आउंदे। ते आओ आपां हुण अगे वल चलदे। सरोवर साहिब गुरद्वारा नानक झीरा साहब जी का सरोवर भी सुशोभित है। इशनान करने संगत इतने इशनान कर दिया, फिर दरबार साहब मत्था टेक दिया। जो आप सरोवर साहब तो इशनान करके निकलेंगे तो इधर सज्जे हाथ प्रशाद काउंटर भी है, मतलब आप प्रशाद ले सकते पर्ची कटा के। इधर आप जो भेटा देनी हो काउंटर बने हुए, पर्ची देंगे तो रुमाले देग देने अपन। हूँ आप दरबार साहब वाल लैके चलते हैं। थोड़ा लो जी करो दर्शन दरबार साहिब। श्री गुरु नानक देव जी ने चार उदासियां कीतियां सी पहली सुल्तानपुर तो।
1501 तो 1510 तक सैकड़ सुल्तानपुर तो की सी 1510 तो 1514 तक जिहड़ा कि दूजी उदासी के दौरान वाहिगुरु जी इत्थे आए सी बेदर जिथे कि हुण गुरद्वारा सुशोभित तीजी उदासी भी करतारपुर तो शुरू की 1514 तो 1517 के बिच चौथी उदासी भी करतारपुर तो शुरू की 1517 तो 1522 के बिच ये सारिया उदासियां सारा मैप दिता गया कि इतों तो किमें कि उदासी शुरू की वाहगुरु जी ने इधर दरबार साहब आ भी दरबार साहब आ इधर लंगर हाल बनया होया करवाने तेना लंगर हाल के भी दर्शन ये आ जी लंगर हाल गुरद्वारा नानक झीरा साहब का इधर कर्नाटका दे विच संगत कट दी अपना गुरु के लंगर विच पड़ी इतने चल रहा 24 घंटे लंगर लो जी इधर आ श्री अमृत कुंड जिते कि श्री गुरु नानक देव जी ने पहाड़ों के पैर मार के पानी कढ़िया सी आओ तुहानू आपां लैके चलदे आं अंदर। हाँ जी आपां हुण पहुंचे होए आ गुरद्वारा नानक झीरा साहब इत्थे अपने पहले पातशाह बाबा गुरु नानक देव जी आए सी जदों उन्होंने आपकी दूसरी उदासी स्टार्ट की सी ना उन्होंने दूसरी उदासी आपकी स्टार्ट की सी सुल्तानपुर लोधी तो सुल्तानपुर लोधी तो हुंदे होए वह नदेड़ पहुंचे सीगे पहलां ते नदेड़ तो बाद वह इत्थे नानक झीरा गुरद्वारा साहब बिदर दे विच पहुंचे सीगे जिथे इस गुरद्वारे दा नाम नानक झीरा साहब रख्या गया वह इत्थे किवें पहुंचे सीगे वह मतलब कि इत्थों दे कोई दो मुस्लिम पीर सीगे जिन्हां नूं मिलना चाहुंदे सीगे वह सीगे याकूब अली ते पीर जलालुद्दीन। ठीक आ उन्हां नूं मिलन वास्ते बाबा गुरु नानक देव जी ते उन्हां दे साथी भाई मरदाना जी तुरदे तुरदे इत्थे आ गए सीगे बिदर दे विच। ठीक आ ते बिदर दे विच आ के उन्होंने आपदियां कुछ कु रातां मतलब कि गलियां दे विच बिताईआं मतलब कि वह गली दे विच सुत्ते सीगे तां जदों वह उत्थे आए सी आपदे साथी भाई मरदाना जी दे नाल तां उत्थों दे लोकां नूं पता लग्गिआ कि इत्थे कोई सूफी संत आया होया है तां वह लोक उत्थे हौली हौली लोकी उन्हां बाबा गुरु नानक देव जी दे दर्शन करन दे लई पहुंचण लग पए जिवें जिवें लोकां दे विच इह चीज़ दा पता चली गया कि इत्थे कोई सूफी संत आया होया है उवें उवें उत्थे लोकां दी भीड़ वधी गई दर्शन करन वास्ते। तां इक दिन की होया वह बिदर शहर दे विच जिहड़ा पाणी दी बहुत ज़्यादा कमी पै गई सी जिहड़ा धरती विचों पाणी निकलदा सीगा वह दूषित पाणी आउण लग गया सी धरती दे विचों वह पानी पीण योग बिल्कुल नहीं सीगा लोग उत्थे प्यास दे नाल मर रहे सी नाल दे नाल कुछ लोग जिहड़े पानी नूं पी रहे सीगे वह पानी जहरीला होण दे कारण मर रहे सीगे। तां फिर उत्थे गुरु नानक देव जी आए उन्होंने देखा कि जिहड़े इत्थों दे लोग आ वह बहुत ही मतलब कि उन्होंने गलत हो रहा वा वह पानी पी के भी मर रहे आ ते पानी ना पी के भी मर रहे आ। तां फिर उत्थे बाबा गुरु नानक देव जी ने मतलब कि कुछ अपना पाठ किया भगती की तां बाबा जी दे पैर विच लकड़ दियां खड़ावां पाईआं होईआं सीगियां तां जिथे वह खड़े हुए सीगे उन्होंने उत्थों थोड़ी जी मिट्टी मलबा पासे करके आपदी जिहड़ी अड्डी सीगी अड्डी दे नाल खड़ाव नूं थल्ले मारिया धरती दे उपर तां उत्थों पानी दी धार वज पई सीगी तां वह पानी इन्ना ज़्यादा वधिया आया कि लोगों ने उत्थों पानी पीना स्टार्ट करता मतलब कि एक हिसाब से पानी की उत्थे पूरी तरह कमी पै चुकी सी ते जिहड़ी कमी बाबा गुरु नानक देव जी ने पूरी की सी ते उन्होंने पानी खड़ाव मार के धरती दे विचों पानी कढ़िया सीगा। ते उस तो बाद 1948 ईस्वी दे विच इस जगह ते एक गुरद्वारा सुशोभित किया गया। हाँ जी 1948 साल दे विच इस जगह ते ये वाला गुरद्वारा सुशोभित किया गया जिसका नाम रखा गया नानक झीरा गुरद्वारा नानक झीरा साहिब। ते इत्थे सब तो मशहूर जिहड़ी गल हैगी आ कि ये इस गुरद्वारे विच बाबा गुरु नानक देव जी का गुरपुरब मनाया जाता है। ते दूसरी गल होर आ कि पंज प्यारिआं दे विचों एक प्यारा सीगा भाई साहिब सिंह जी उन्हां दा ये पिंड सीगा बिदर जिथे आपां पहलां गुरद्वारे तुसीं अपने पिछले व्लॉग च वेख्या होगा कि आपां उस गुरद्वारे विच वी गए सी मत्था टेकण दे लई उहनां दे नाम ते वी इत्थे इक गुरद्वारा साहिब बणिआ होइआ है। ते चलो हुण आपां तुहानूं उह बौली साहिब दिखाउने आ जिथे बाबा जी ने अमृत कुंड जिथे बाबा जी ने खड़ाव मार के पानी कढ़िया सीगा ते उह अमृत कुंड अज वी इत्थे स्थापित हैगा वा ते लोकी उत्थों जल लै के जांदे आ जिहनूं बहुत ही पवित्र मन्निआ जांदा। इह गुरद्वारे दी देख रेख इस गुरद्वारे दी प्रबंधक कमेटी कोल ही आ। ये गुरद्वारा सुशोभित हैगा बिदर शहर के स्टेट हैगी करनाटका। तो आओ तुहानू आपां हुण अमृत कुंड के दर्शन करवाउने आ जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापी सोहा अमृत कुंड। लो जी करवाउने आपां
उस उजाड़ पिया सी जिथे कि जेडे पहाड़ से पहाड़ों के अड्डी मार के गुरद्वारा तुम मैं दसदा भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई से सुशोभित है पहाड़ के अड्डी मार के पानी निकलिया आओ करवाने दर्शन तुम ये आओ पहाड़ यह महाराज का पैर का निशान जिथे कि महाराज। हाँ जी संगत जी तुम आप सारे गुरद्वारा साहब के दर्शन करवा दते हैं जिनी की जानकारी से आपे सी की है तो जे अपनी जानकारी कोई गलत गल आखी गई हो तो सूँ माफ़ करना क्योंकि असी भी कितों पढ़िया ही है तो ही थानू दसिया वा तो इतने बहुत दूरों दूरों संगत आती है ना ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਰਾਠੀ ਜਾਂ ਤੇਲਗੂ ਜੋ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਲੋਗ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਮ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।